तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ऊर्जा ग्लोबल के स्टॉक के बारे में। ऊर्जा ग्लोबल के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। हम अगर यहाँ पे स्टॉक की बात करें तो हम देखेंगे जो स्टॉक है ये हमको पहले यहाँ पर लगातार अपट्रेंड में देखने को मिल रहा था। पहले हमको स्टॉक में हाई और हाई वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा था, फिर स्टॉक ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया जिसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। और अभी हाल फिलहाल में हमको जो स्टॉक है ये लगातार यहाँ पर इस रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब अगर यहाँ पर स्टॉक अपने इस रेंज को ब्रेक करता है देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन एक अच्छी मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो यहाँ से स्टॉक में बात करें, अगर यहाँ से स्टॉक में तेज़ी आती है तो यहाँ से भी तेज़ी कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 9.95 का पहला यहाँ पर रजिस्टेंस देखने को मिल जाएगा। अगर स्टॉक इसको ब्रेक करता है देन यहाँ से हमको स्टॉक में 10.55, और अगर यहाँ पर स्टॉक ने इसको ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में 11.35 एंड देन यहाँ से हमको स्टॉक में 12.50, और इसके बाद अभी हमको यहाँ पर स्टॉक में 14, और इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 16-18 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं ऐसा नेक्स्ट टाइप का रेजिस्टेंस। वहीं यहाँ से अब अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो यहाँ से अभी गिरावट की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 9.70 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक ने यहाँ पर इसको ब्रेक किया देन यहाँ से अभी हमको स्टॉक में 9, और इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 8.55 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे ऐसा नेक्स्ट टाइप का सपोर्ट। तो स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग की सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। धन्यवाद।